हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको एक सोलो नाइट दिखाने जा रहा हूँ। शायद कुछ इसको जानते भी होंगे और शायद कुछ मिस्त्री इसको जानते भी नहीं होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा एक तरह का सोलो नाइट, जिसको हम देसी भाषा में घुग्गी भी बोलते हैं। लेकिन ये है किस सेल्फ का? ये है लीलैंड गाड़ी, उसका सेल्फ का ये 24 वोल्ट में सोलोनाइड है। काफ़ी मिस्त्री इसको जानते भी होंगे शायद, और काफ़ी नहीं भी जानते होंगे। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इसका क्या वर्क है, कैसे करता है, इसकी वायर कैसे हैं, इसके हम पॉइंट्स खोल सकते हैं तो उसको कैसे हम रिपेयर भी कर सकते हैं। तो कई चीज़ें आज इसमें मैं बताऊंगा आपको। ये देखिए अच्छी तरह गौर से, इसमें 3 पॉइंट होते हैं, एक ये दो और ये तीन। अगर ये तीनों में से कोई सा पॉइंट भी ख़राब हो जाता है तो वो चेंज भी हो जाते हैं। मार्केट में अवेलेबल हैं इसके तीनों पार्ट्स। देखिए ये भी वैसे ही काम करता है जैसे हमारा इंटर का सेल्फ होता है, या टाटा 407 का सेल्फ होता है, या किसी में उसमें घुग्गी जो होती है सोलोनाइड होता है, सेम वही पोजीशन इसकी होती है, ऐसे ही काम करता है जैसे वो काम करता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ इसको। देखिए ये इसमें कॉयल है अंदर, ये इसमें कॉयल है, एक मैग्नेट कॉयल होती है ये। जब इस पर करंट देते हैं दो तारों पे, ये दो तारे हैं इसमें, एक प्लस की एक माइनस की, 24 वोल्ट के थ्रू इसमें करंट दिया जाता है। तो एक प्लस की है, ये माइनस की होती है। और जब इसमें करंट देते हैं तो हमारे ये तीनों पॉइंट काम करते हैं, ये ऐसे। जब हम इसमें करंट देते हैं तो पहले ये इतना आता है, ठीक है, पिछले वाले पॉइंट में जो है गैप रह जाता है, और अगला जो वाला पॉइंट होता है ये बिल्कुल इस पर अटैच हो जाता है, इस पर लग जाता है। और जब इस पर ये लगता है तो सेल्फ का जो आर्मेचर होता है उसको ये आगे धकेलता है, और जैसे ही आगे धकेलता है ये पॉइंट इसका अंदर हो जाता है और ये पूरा इस पर टच हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल भी गैप नहीं है दोनों पॉइंटों में, और आगे से भी दोनों पॉइंट, और हमारा सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये इसका वर्क है। ये देखिए पहले हम चाबी घुमाएंगे तो पहली बार में सिर्फ ये पॉइंट आगे लगेगा ये वाला, और पीछे वाला पॉइंट जो होता है वो ऊपर ही रहता है इस लीवर के ऊपर। और जैसे ही आर्मेचर अंदर जाता है तो ये पॉइंट अंदर हो जाता है और ये दोनों पॉइंट टच हो जाते हैं, जिससे कि मेन करंट इसमें आ जाता है और सेल्फ घूम जाता है। और भी आगे मैं दिखाऊंगा इसके बारे में, कभी इसकी वीडियो बनाऊंगा तब दिखाऊंगा कि कैसे ये काम करता है। जो इसमें सेल्फ में लगाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको इसलिए दिखाया है कि ये भी एक तरह का सोलोनाइड है। तो आइए देखते हैं इसको। हम इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, अगर ये ख़राब हो जाता है तो रिपेयर भी हो जाता है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली आता है ये। आप इसके ये लॉक होता है, देखिए दोस्तों ये इसमें अंदर उसके ऊपर लॉक होता है, ये लॉक को मैंने हटा दिया है, ठीक है, ये लॉक यहाँ रख दिया इस साइड में। उसके बाद इसमें एक स्प्रिंग होता है, ये इसको रख दिया और इस पॉइंट को हमने ऐसे निकाल लिया।
ये पॉइंट होता है ऊपर का, जो हमें आसानी से बाज़ार में मार्केट में मिल जाता है। ठीक है, इसमें लगभग यही पॉइंट ख़राब होता है, या फिर इसमें ये दो पॉइंट ख़राब होते हैं, और कॉइल जल जाती है तो फिर आपको ये नया ही डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसके दोनों पॉइंट भी खोल के आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिए, अब हम इसके दोनों पॉइंट भी खोल लेते हैं। ये एक मिनट, ये देखिए दोस्तों, ये इसका दूसरा पॉइंट है। ये इस पे ऐसे लगा रहता है, बीच में जो है इसमें ये फाइबर की वॉशर होती है इस पे, ताकि इसमें और इसमें गैप बन जाए और ये बॉडी से अर्थ ना हो। ये हमारा मेन पॉइंट होता है। देखिए, ये एक अलग हो गया, उसके बाद ये इसके नीचे फाइबर वॉशर आएगी, और उसके बाद ये बॉडी है इसकी। ठीक है, ये बॉडी है, ऐसे ही दूसरा पॉइंट है। ये देखिए दोस्तों, ये फाइबर की वॉशर है, ये अपना पॉइंट है, और ये बॉडी है। पहले इस बॉडी को, इस फाइबर को इस पॉइंट पे रखते हैं, और इसके बाद फिर इसको इस पे रख देते हैं, ताकि ये जो है ना बॉडी से अटैच ना हो। ठीक है ना, अब हम इसको साफ़ कर लेते हैं। ये वैसे तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता हूँ कि इसको साफ़ कर देते हैं। ये पॉइंट हमेशा साफ़ रखना, अगर ये पॉइंट गंदे हो गए तो करंट पास नहीं करेगा, और आपका सेल्फ टक 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 की ऐसी आवाज़ देगा बस। ये कॉपर के पॉइंट होते हैं ऊपर, हम इसको भी कर लेते हैं साफ। देखिए, ये भी बिल्कुल साफ़ हो गया, थोड़ा सा बीच में से रह गया। ये मेरे कहने का मतलब है कि बिल्कुल साफ़ होने चाहिए और एक लेवल में होने चाहिए, तभी ये बढ़िया से काम करेगा। उसके बाद देखिए, ये लीवर होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर भी एक स्प्रिंग होती है, जो कि बड़े काम की चीज़ है। ये इसमें इसको ऐसे लगाओ, ठीक है, और ये जो है इसमें चला जाएगा, और ऐसे ऐसे देखिए, ये गैप बनता है। ठीक है, अब हम इसको दोबारा जो है फिट करते हैं। पहले जो हमने ये ली, फिर हमने ये पॉइंट लिया और इस पे लगा दिया।
ये फिर हमने फाइबर वाशर ली और इस पे रख दी, और ये पॉइंट इस पे अटैच हो गया। दोस्तों ये हमारा 24 वोल्ट का जो सेल्फ होता है लीलैंड गाड़ी में, उसका ये सोलेनोइड है। देखिए हमारा तैयार हो चुका है। इसमें भी एक स्प्रिंग होता है बीच में अंदर लीवर में। और दोस्तों इस सोलेनोइड के बारे में अगर आपको कुछ और भी पता करना है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको इसकी और भी जानकारी दूंगा। ये अपना अच्छी तरह से साफ़ कर लेना, ब्लेड से ले लें या रेगमाल वगैरह से साफ कर दें इसको, वरना कई बार जो अब ये पॉइंट गंदे होते हैं और जो है करंट पास करते नहीं, और आप सेल्फ मारते हो, सेल्फ मारते ही सेल्फ बोलता है टक टक टक, तो ये खास ख्याल ज़रूर रखना। कई बार सेल्फ जो टक टक करता है वो इसी की वजह से करता है। इसमें लगा दिया, फिर ये स्प्रिंग इसमें लगा दिया, और अपना ये लॉक इसमें लगा दिया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा तैयार हो गया सोलेनोइड। ये इसकी दो तारें हैं और ये इसमें फंस जाता है। ऐसे काम करता है, फिर भी आपको अगर कोई जानकारी लेनी है इस सोलेनोइड के बारे में तो कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा या फिर उस पर कोई वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, इसमें दो पॉइंट होते हैं, ये एक गर्म एक ठंडा, एक माइनस एक प्लस, बस सीधा इस माइनस जो अर्थ का होता है या इसके नीचे आप यहाँ बॉडी पे अर्थ भी कर सकते हो, बॉडी पे, ना कि इस पॉइंट पे नहीं, इस बॉडी पे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।